हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वुमेन्स स्टाइल अप। मैं हूं मंजू। आज की वीडियो स्पेशली उनके लिए है जो साड़ी तो पहनना चाहती हैं बट उनसे प्लीट्स ही नहीं बनती है। सो यहां पर मैं बिगनर्स को ध्यान में रखते हुए बहुत ही इजी तरीके से प्लीट्स बनाना बताने वाली हूं। सो आप भी साड़ी केवल इसलिए नहीं पहन पाती हैं कि आपकी प्लीट अच्छे से नहीं बन पाती है, तो यहाँ पर बहुत ही ईजी तरीके से और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको प्लीट्स बनाना बताऊँगी, जिससे आपकी प्लीट परफेक्टली बैठ जाएगी और आपका साड़ी भी परफेक्टली ड्रैप हो जाएगा। सो ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले आपको पेटीकोट ब्लाउज एंड फुटवेयर वेयर कर लेना है। अब ये जो मेरा पेटीकोट है, ये शेप वेयर पेटीकोट है जो स्ट्रेचेबल फैब्रिक में आती है, नीचे से फिस्कट स्टाइल में होती है, इस वजह से इसमें चलने में भी प्रॉब्लम नहीं आती है। इसमें डोरी सामने की तरफ दी गई है तो मैं सामने बांधी हूँ, बट अगर आपका नॉर्मल पेटीकोट हो तो आप राइट में भी बांध सकती हैं। तो पेटीकोट ब्लाउज एंड फुटवेयर पहले आपको वेयर कर लेना है एंड इसके बाद से आपको अपनी साड़ी लेनी है। सो यहाँ पर ये जो मेरी साड़ी है, इसका फैब्रिक सिल्क का है एंड इसे मैंने मीशो से लिया है, तो आपको जो बाइंग कोड है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो ये वाला पोर्शन इसका पल्लू है, तो कभी भी हम साड़ी को इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड से खोलते हुए आएंगे। देखिए, लेफ्ट साइड की तरफ पल्लू वाला पोर्शन इस तरीके से खोलते हुए आपको इसके लास्ट वाले सिरे पर जाना है, यानी एंड पार्ट पर। कभी भी हम साड़ी को उसके नॉन पल्लू साइड से ड्रैप करना शुरू करते हैं। सो ये हमारी साड़ी का एंड पार्ट है, यानी लास्ट सिरा। अब यहीं से हम साड़ी को ड्रैप करना शुरू करेंगे। अब टकिंग करते वक्त प्रॉब्लम ये आती है कि हम राइट से टक करें या मिड से। तो यहाँ पर सिंपल सी बात मैं आपको बताऊँ, तो अगर आपको चलने में प्रॉब्लम हो तो आपको नेवल के चार अंगुल राइट में, ये जो नेवल है देखिए, इसके चार अंगुल राइट में जाकर टकिंग को स्टार्ट करनी है। बट आपको चलने में प्रॉब्लम नहीं आती है तो आप एकदम राइट से भी टकिंग को स्टार्ट कर सकती हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, राइट हैंड साइड में पहले साड़ी के कॉर्नर को टक किया है, फिर लेफ्ट हैंड में, एंड इसके बाद सामने के पार्ट को हम अच्छे से पेटीकोट में टकिंग कर लेंगे। अपनी लेंथ को चेक करते हुए आपको टक करना है, आपको कितना ऊपर साड़ी पहनना है। मैं फ्लोर टचिंग ही वेयर करती हूँ। अब जब सामने का पार्ट टक हो जाएगा तो साड़ी को इस तरीके से लेते हुए वन राउंड लेंगे एंड यहाँ राइट साइड में देखिए, अपनी लेंथ को चेक करते हुए साड़ी को थोड़ा सा टाइटली से खींचना है। इसके बाद हम यहाँ राइट में टक करेंगे, फिर बैक के पार्ट को हमें अच्छे से पेटीकोट में टकिंग कर लेना है। सो इस तरीके से हमारी बेसिक टकिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम साड़ी को लेते हुए इसके पल्लू वाले पोर्शन पे जाएंगे। डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए, साड़ी बीच से मुड़ सकती है या उलट पुलट हो सकती है। सो ये वाला पोर्शन हमारा पल्लू है, बाकी साड़ियों को सामने छोड़ना है। पल्लू वाले पोर्शन को बैक से घुमाते हुए राइट की तरफ निकालेंगे एंड यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड में हमने फैब्रिक पकड़ा उसे हमें छोड़ना होता है। तो यहाँ पर देखिए, जो ये आपका राइट हैंड में पल्लू दिख रहा है, इसको नहीं छोड़ना, ये जो लेफ्ट हैंड में फैब्रिक है इसे छोड़ देना है और पल्लू का दूसरा कॉर्नर इस तरीके से लेफ्ट हैंड में पकड़ लेना है। अब आप लेफ्ट राइट कहीं से भी प्लीट उठा सकती हैं, बट आप बिगनर हैं तो आपको राइट से उठानी है। तो लेफ्ट हैंड साइड के फैब्रिक को कमर में टकिंग कर लीजिएगा, इससे प्लीट्स बनाने में आसानी होगी। एंड इसके बाद राइट हैंड साइड के फैब्रिक को टमी पर इस तरीके से रख लीजिएगा, पल्लू वाले पोर्शन को, एंड यहाँ पर आपको फोर फिंगर रखनी है। अब आपको कितनी चौड़ी प्लीट बनानी है, अगर थोड़ी चौड़ी बनानी है तो फिंगर को फैलाइए, और अगर आपको पतली प्लीट बनानी है तो इस तरीके से फोर फिंगर को एकदम चिपका लेंगी आप। एंड इसके बाद देखिए, लेफ्ट हैंड साइड का जो फैब्रिक दिख रहा है, इसको इस तरीके से फिंगर के ऊपर से ले जाएंगे, स्मॉल फिंगर को इस तरीके से निकालते हुए फंसाएंगे। अब जब आप यहाँ आएंगे तो देखिए, ये फिंगर नहीं निकलेगी, तो यहाँ हैंड से लेफ्ट वाले फिंगर से दबाकर और इस तरीके से ईजिली से फैब्रिक को निकाल लेना है। आप देख रहे हैं, बहुत ही आराम से बन जाती है। बस अगर आप बिगनर हैं तो थोड़ा सा आपके फिंगर निकलने में प्रॉब्लम आती है, तो देखिए कैसे मैं निकाल रही हूँ, इस तरीके से लेफ्ट हैंड के फिंगर से दबाकर आप इजीली से निकाल सकती हैं। सो इस तरीके से वन बाय वन जिगजैग करते हुए हम प्लीट्स बना लेंगे। अब जब आप प्लीट बनाते हुए आएंगे तो आपको जो फर्स्ट प्लीट होगी ना, वो थोड़ी सी चौड़ी होनी चाहिए, यानी जो सामने की तरफ होती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए, लास्ट ये जो मेरी फर्स्ट प्लीट बनी है, ये थोड़ी सी चौड़ी ऑलरेडी बन गई है, तो इसे मुझे मैनेज नहीं करना है। सो प्लीट्स बन जाने के बाद अब देखिए, हैंड से दबाकर इस तरीके से पकड़ लेना है प्लीट्स को। अब आपकी प्लीट्स यहाँ पर बन चुकी है। ये जो अंदर की प्लीट है, इसका डायरेक्शन देखिए राइट की तरफ है, बाहर वाला लेफ्ट की तरफ है, बस आपको ये बात ध्यान रखनी है। एंड इसके बाद ऊपर से हम चेक कर लेंगे सभी प्लीट्स हमारी एक बराबर हैं या नहीं। तो प्लीट्स देखिए हमारी बिल्कुल इक्वल बन चुकी है। अभी इस प्लीट को हमें यहाँ पर सिक्योर करना है, क्योंकि हमें इसे सेट भी करना होता है, तो मैं सेफ्टी पिन की हेल्प से सिक्योर कर रही हूँ। अब यहाँ पर सिक्योर हो गई है, अब हम प्लीट को सेट करेंगे। सेट करने के लिए देखिए, आपको थोड़ा सा इस तरीके से पहले प्लीट को हल्का हल्का इसको इस तरीके से खींचना है, ताकि ये प्लीट्स आपको थोड़ी सी नज़र आए। थोड़ी दूरी पे इस तरीके से कर देने से ना वो नज़र आने लगती है। अब देखिए, नज़र आने लगी हमें प्लीट्स। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा झटकते हुए साइड से वन बाई वन प्लीट को पकड़ते हुए अरेंज करेंगे।
क्योंकि यहाँ पर जो सिल्क की साड़ी होती है ना उनकी पल्लू थोड़ी सी हार्ड फैब्रिक की होती है, तो आपको थोड़ा थोड़ा पोर्शन ही अरेंज करना है। सो इतना पार्ट देखिए यहाँ पर मैं अरेंज कर ली। अब ये अरेंज हो जाने के बाद थोड़ी सी फूली फूली रहती है, तो इसके लिए सामने टमी के पास रखते हुए रब कर लेना है ताकि ये बैठ जाए। अब हम लेफ्ट वाले शोल्डर पर रखते हुए पल्लू के फैब्रिक को सामने लेकर आएंगे, थोड़ा सा इस तरीके से झटक देंगे एंड इसके बाद थोड़ी सी दूरी पे देखिए साइड से वन बाय वन झटकते हुए हम प्लीट्स को अरेंज करेंगे। झटकने से प्लीट्स हमें नज़र आती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से प्लीट्स को झटकते हुए अरेंज करें। सो इतना पार्ट हमारा रेडी हो गया है। फिर से लेफ्ट वाले शोल्डर पर रखेंगे और आगे की भी प्लीट्स को सेम प्रोसेस से बनाएंगे। आपको एक बार में शोल्डर की प्लेट्स नहीं बनानी है क्योंकि आप बिगनर हैं तो आपको प्रॉब्लम आएगी, बट इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके बनाएंगे तो फटाफट से बन भी जाएगी आपकी प्लेट्स। अब यहाँ पर देखिए हमारा पल्लू जो है घुटने से काफ़ी नीचे चला गया है, तो मैं पल्लू की लेंथ थोड़ा सा लॉन्ग ही रख रही हूँ, इससे हमारा लुक टॉल आता है। इसके बाद ब्लाउज के शोल्डर में सेफ्टी पिन के हिसाब से सिक्योर करेंगे। अब ये जो शोल्डर में आप सेफ्टी पिन लगाती हैं ब्लाउज के, तो देखिए जो ब्लाउज के शोल्डर की स्टिचिंग है उससे 1 या 2 इंच बैक में जाना है। पल्लू की प्लीट को ब्लाउज के फैब्रिक के साथ पकड़ लेना है एंड इसके बाद अंदर से सेफ्टी पिन को इंसर्ट करना है। जब उसके शार्पनेस बाहर की तरफ आ जाए तो फिर थोड़ी सी दूरी पे अंदर की तरफ इंसर्ट करते हुए सेफ्टी पिन के लॉक को लॉक कर लेना है। सो इस तरह से आपको सेफ्टी पिन लगानी है, कभी भी शोल्डर के ऊपर या सामने ना लगाएं, नहीं तो पल्लू बार बार सामने की तरफ गिरता रहता है। अब पल्लू सिक्योर हो जाने के बाद सामने की तरफ आएंगे, पल्लू का अंदर वाला बॉर्डर अपने बस्ट एरिया पर सेट करना है। यहाँ पर थोड़ा सा क्रॉस में मैं रख रही हूँ ताकि मेरे नेक से ना छिपके, तो इस तरीके से अच्छे से सेट करते हुए पल्लू के पोर्शन को बैक से घुमाते हुए सामने की तरफ लेकर आना है। आपका बॉर्डर कहीं मुड़ा हुआ ना हो इस तरीके से चेक करते हुए सामने लेकर आए, हिप वाले पोर्शन पे इस तरह से फैब्रिक को सेट करना है। अब यहाँ पर टाइट फिटिंग करने के लिए हमने 2 तरीके यूज़ किए हैं, तो एक तो मैं सेफ्टी पिन के साथ यूज़ करती हूँ, एक विदाउट सेफ्टी पिन। तो आज मैं आपको सेफ्टी पिन वाला ही बताऊंगी क्योंकि सेफ्टी पिन वाले से आपका जो यहाँ पर प्लेन दिख रहा है ना इसमें थोड़ी सी चुन्नटें आ जाती हैं, तो उसका लुक और अट्रैक्टिव आता है। तो इसके लिए देखिए आपको यहाँ राइट वाले पैर तक लेकर जाना है, ये जो राइट वाला पैर है यहाँ पर लेकर आना है। अब लेकर आते वक्त आपको नेवल के सामने फिंगर को रखते हुए उसके नीचे से क्रॉस कराते हुए जाना है ताकि जब आप प्लीट टक करो तो साइड से आपकी जो साड़ी है ना दिखाई दे, बॉर्डर ही बॉर्डर नज़र आए। अब थोड़ा सा नीचे से देखिए इस तरीके से आपको हल्का हल्का फैब्रिक को ऊपर की तरफ खींचना है, राइट की तरफ। जैसे आप खींचेंगे पतली पतली प्लीटें बन जाएंगी, तो 3 या 4 इससे ज़्यादा मत बनाइएगा नहीं तो नीचे से फैब्रिक उठ जाती है। अब यहाँ पर आपका प्लीट्स बन चुका है, पेटीकोट के साथ इन प्लीट को पकड़ लेना है एंड इसके बाद हम सेफ्टी पिन लेंगे। सेफ्टी पिन में मैंने यहाँ पर देखिए प्लास्टिक अटैच कर लिया था ताकि साड़ी इसमें फंस के ना फटे एंड इसके बाद पेटीकोट के साथ लेते हुए आपको जिगजैग के स्टाइल में सेफ्टी पिन लगानी है, जैसे कि हम स्टिचिंग कर रहे हों। ऐसा करने से आपकी साड़ी फटने की बिल्कुल भी चांस होती ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हमारी साड़ी भी अच्छे से सिक्योर हो गई है और हिप की प्लीटें भी बन चुकी हैं। जो प्लीटें बनी हैं उन्हें एक बार अच्छे से हम सेट कर लेंगे एंड इसके बाद से हमारा हिप वाला पोर्शन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब ये जो साड़ियाँ हमारे पास बच गई हैं इनकी हमें प्लीट्स बनानी है। सो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि हमें लेफ्ट हैंड से प्लीट बनाना चाहिए या राइट हैंड से, तो अगर आप बिगनर हो तो आप लेफ्ट राइट कहीं से भी प्लीट उठा सकते हो। सो यहाँ पर देखिएगा मैं अंदर साइड से यानी लेफ्ट हैंड साइड से प्लीट उठाऊँगी। थोड़ा सा फैब्रिक मैं मेज़र करके छोड़ती हूँ क्योंकि मेरी हाइट कम है, अंदर अगर मैं नहीं छोड़ूंगी फैब्रिक तो प्लीट तक करने में मुझे प्रॉब्लम आएगी। अब इसके बाद से टमी के ऊपर फैब्रिक को सेट कर लेना है। 4 फिंगर को देखिए फैलाकर मैंने रखा है क्योंकि हमें कमर की प्लीट चौड़ी चौड़ी बनानी है, पतली पतली नहीं बनानी, इसलिए फैलाकर रखिएगा। एंड इसके बाद से स्मॉल फिंगर और थंब के बगल वाले फिंगर में आपको इस तरीके से 1 बाय 1 फंसाते हुए प्लीट बनाना है। जैसे हमने शोल्डर की प्लीट बनाई बिल्कुल वैसे ही देखिए मैं यहाँ पर कमर की प्लीट बना रही हूँ, बस यहाँ पर फिंगर को थोड़ा सा मैंने फैला दिया है क्योंकि जो कमर की प्लीट होती है वो चौड़ी चौड़ी बनाई जाती है। सो इस तरीके से आपको 1 बाय 1 प्लीट बना लेनी है। अब यहाँ पर जब आप प्लीट बनाते हुए आएंगी तो कई बार प्रॉब्लम ये आती है कि लास्ट में जो लास्ट की प्लीट है ना वो अच्छे से बन ही नहीं पाती, या तो फैब्रिक कम हो जाता है या तो ज़्यादा हो जाता है। सो यहाँ पर मेरा भी देखिएगा थोड़ा सा फैब्रिक, जब मैं ये देखिए ये प्लीट बनाऊंगी तो ये देखिए बाहर जा रही है, तो ये जो पहली प्लीट है ना इसको आपको थोड़ा सा चौड़ा कर लेना है जितना भी एक्स्ट्रा राइट साइड में फैब्रिक है उसको लेते हुए। सो कभी भी हमारी जो फर्स्ट प्लीट है सभी प्लीट से चौड़ी होनी चाहिए, चाहे वो शोल्डर की हो या फिर कमर की हो। फर्स्ट प्लीट चौड़ी होने से वो बाकी की प्लीट्स के साथ अच्छे से सेट हो जाती है। एंड यहाँ पर देखिए प्लीट्स को हमने अच्छे से पकड़ लिया है, अब हम थोड़ा सा झटक देंगे एंड यहाँ पर देखिए पहली प्लीट हमारी बाकी की प्लीट से चौड़ी है। अंदर से हम एक एक प्लीट को पकड़ के ऊपर की तरफ खींचेंगे एंड थोड़ा सा झटक देंगे।
अब यहाँ पर साइड से हमें हाफ ऑफ सेंटीमीटर का गैप ही रखते हुए इन प्लीट्स को अरेंज करना है, बॉर्डर से बॉर्डर मिलाते हुए। हाफ ऑफ सेंटीमीटर का गैप में रखते ही देखिए हमारी सभी प्लीट्स हमें उभर के नज़र आने लगी है। थोड़ा सा झटक देना है, इस तरीके से चेक कर लेना है। एंड यहाँ पर देखिए हमारी प्लीट्स अच्छे से बन चुकी है। अब हम प्लीट्स को यहाँ पर मेज़र करेंगे, हमें कितना पार्ट अंदर पेटीकोट में टकिंग करना है। सो फाइनली वहीं पर देखिएगा हम साइड से वन बाई वन अपनी प्लीट्स को अरेंज करेंगे। एक एक प्लीट को आपको पकड़नी है, एक ही बार में पकड़ के टक नहीं करना है, नहीं तो आपकी एक भी प्लीट्स अंदर की तरफ दब गई तो आपका लुक ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर एक एक प्लीट्स को अच्छे से अरेंज करके मैंने पकड़ लिया है। अब नेवल के ठीक सामने रखते हुए इन प्लीट को पेटीकोट में टकिंग करना है। टक करके थोड़ा सा यहाँ पर देखिए इस तरीके से शेक कर देना है ताकि फैब्रिक अंदर तक चली जाए। अब देखिए हमारी प्लीट्स काफ़ी अच्छे से टकिंग हो गई है। सो यहाँ पर देखिएगा थोड़ी सी दूरी पर यहाँ पर प्लीट्स को आपको वन बाई वन अरेंज करना है और इन्हें सिक्योर करना है ताकि ये प्लीट्स आपकी तब तक ना खुले जब तक आप ना चाहें। तो बड़ी सी सेफ्टी पिन लेंगे, अंदर से देखिए पेटीकोट को लेते हुए इन प्लीट को सिक्योर कर लेना है। सो इस तरीके से अगर आप सेफ्टी पिन नहीं लगाना चाहती हैं तो बहुत तरह की साड़ी पिन आती है जिसकी हेल्प से आप इजीली से सिक्योर कर सकती हैं प्लीट्स को। अब जो आपका राइट साइड की तरफ ओपन पार्ट है उसे टक करते वक्त आपको देखना है कि पहली प्लीट राइट की तरफ ना भागे, ना ही नीचे से फैब्रिक ऊपर की तरफ उठे। तो जो फैब्रिक जहाँ आता है ना वहीं पर अच्छे से सेट करते हुए टकिंग करना है। अब ये पल्लू से कवर हो जाएगा। एंड यहाँ पर देखिए ये जो आपकी कमर की प्लीट है कई बार ये फूली फूली रह जाती है, हालांकि मेरी है नहीं बट फिर भी मैं दिखा देती हूँ। अगर आपकी फूली फूली हो सिल्क की साड़ी में तो आपको झुकते हुए इस तरीके से अरेंज करते हुए हैंड से प्रेस करते हुए नीचे की तरफ चले जाना है। देख रही हैं किस तरीके से मैं जा रही हूँ। और बस आपको एक बार अच्छे से इसके नीचे वाले बॉर्डर को अरेंज करते हुए इस तरह से यहाँ पर प्रेस कर लेना है ताकि बिल्कुल अच्छे से बैठ जाए। एंड इसके बाद से आपकी जो साड़ी है पूरी तरह से बन के कम्प्लीट हो जाएगी। एक्स्ट्रा की जो भी सेफ्टी पिन लगा रखी है उसे निकाल देना है। एंड इसके बाद से हमारा जो फाइनल लुक है आप देख सकती हैं। सो अगर आप इस तरीके से अपनी साड़ी को ड्रॉप करेंगी आपका लुक स्लिम के साथ साथ टॉल भी नज़र आएगा। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। मेरा ड्रॉपिंग स्टाइल अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कोई भी रिक्वेस्टेड वीडियो या सुझाव कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। सो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर। बाय।